हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस सेट ईवीएस की। तो ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में हमने जो है 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देखे, प्रैक्टिस सेट नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जो है प्रीवियस ईयर आप डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है। दूसरी बात, एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, दूसरी आपकी थ्योरी वाली जो है वो भी एक प्लेलिस्ट बनी है। 3 प्लेलिस्ट हैं, अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस तो जाकर देखिए, ठीक है। और इससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगी, एग्ज़ाम तक लगातार बने रहिए। सबको पता है कि जो है एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा स्पेशल टॉपिक है पक्षी। पक्षी पर पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, पक्षियों के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम पक्षियों से रिलेटेड जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीवर पक्षी, देखिए बीवर पक्षी का क्या काम है। बीवर पक्षियों में सभी जो है नर बीवर अपने अपने जो है घोंसले बनाते हैं, अपने अपने घोंसले। देखिए बीवर पक्षी में जो मेल बीवर होता है, मेल बीवर ही जो है फीमेल बीवर के लिए क्या करता है, घोंसला बनाता है, ठीक है। मादा बीवर उन सभी घोंसलों में क्या करती है, देखती है, उन सभी घोंसलों को देखती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है, उसको जो घोंसला पसंद आता है वो उसी घोंसले में क्या करती है, अपना अंडा देती है। तो क्या है इसमें स्पेशलिटी क्या है बीवर पक्षी में, कि जो नर बीवर होता है वो अपनी मादा बीवर के लिए क्या करता है, घोंसला तैयार करता है, और मादा बीवर क्या करती है उन सारे घोंसलों में से किसी एक घोंसला को चूज करती है और उसमें अपने जो है अंडे देती है, ठीक है। तो बीवर पक्षी आप देखेंगे ये क्या है, बीवर पक्षी घोंसला कैसा दिखता है इसका, ये घोंसला इसका देख सकते हैं आप ऐसे करके, ऐसे हो, ऐसे है ना, ऐसे ही है ना इसका घोंसला। तो इसका जो मुंह है ऊपर से नहीं बल्कि ये नीचे का होता है, ये यहाँ से खुला होता है, ये मुंह होता है, बीवर पक्षी यहाँ से एंटर करती है। एक चैप्टर है ऑफ 8th क्लास में जो है प्राइमरी स्कूल में होता था, एक चैप्टर था नीड़ का निर्माण फिर इसी बीवर पक्षी पे बना है, वो पोएम था नीड़ का निर्माण फिर नेह का, ठीक है। तो ये जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे उन बच्चों को ये पता होगा, मैं तो भाई सरकारी स्कूल से स्टडी की हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो 7th या 8th क्लास में ये टॉपिक था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। कोयल, देखिए अब मौसम क्या चल रहा है, सीज़न चल रहा है आम का, आपका सीज़न चल रहा है गर्मी का और बारिश का। तो अब जो है जब तक देखते हैं, जब तक बसंत का मौसम रहता है कोयल खूब चहकती हैं। आप मॉर्निंग में उठेंगे तो देखेंगे कोयल बहुत अच्छे से, मतलब उसकी आवाज़ इतनी सुरीली होती, इतनी म्यूट होती है ना कि मतलब सुनने को बहुत ज़्यादा, सुन के जो है सुकून मिलता है। तो कोयल जो है इस टाइम क्या करती है, कुह कुह करके आवाज़ लगाती है अपने उसके जो है काले पंख होते हैं, इसकी आवाज़ क्या है मीठी होती है, मीठी होती है तभी तो आपको सब अच्छी लगती है। कौवा बोलता है तो क्या आपको पसंद आता है, नहीं, कोयल बोलती है तो आपको लगता है कि हाँ आनंद आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोयल की एक स्पेल जो है क्या है, जो है इसकी विशेषता क्या है, कोयल खुद अपना जो है घोंसला नहीं बनाती, इसका खुद का घोंसला नहीं होता है, ये क्या करती है कौवे को बेवकूफ़ बना देती है, ये कौवे के घोंसले में जाके अपना अंडा देती है, किसमें, कौवे के घोंसले में, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, ठीक है। ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, इसका खुद का घोंसला नहीं होता है, ठीक है। और कौवा बेचारा क्या करता है, अपना अंडा समझकर उसे क्या करता है, से जो है उसका पालन पोषण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिद्ध। गिद्ध का जो है मृत पशुओं के शवों को खाता है, गिद्ध का काम है जो मरे हुए पशु हैं या मरे हुए कोई भी जानवर हैं या इंसान है जो भी है, ये क्या करते हैं उन्हें खाकर पर्यावरण और प्रकृति की सफाई करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या है, एक फ़ायदा ये होता है कि जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है,
इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम दूसरे नाम से, पर्यावरण का सफाई करता भी कहते हैं। ठीक है, गिद्ध की फोटो आप देख सकते हैं, ये है, ये आपका क्या है, गिद्ध है। और गिद्ध जो है पेड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर रहता है, पेड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर कौन रहता है, गिद्ध रहता है। ठीक है, पेड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर सबसे ऊंची वाली टहनी पे कौन रहता है, गिद्ध रहता है। लेकिन पूछ ले सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला किसका होता है, तो कौवे का हो जाएगा। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। लेकिन पूछ दे कि सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंचे टहनी पर कौन अपना घोंसला बनाकर रहता है, तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टॉपिक है आपका कबूतर पे। कबूतर सब लोग देखे हैं और कबूतर हर जगह देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, आपके घरों में ही रहकर अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं। कबूतर की जो चोंच होती है गुलाबी होती है। देखिए कबूतर बहुत कलर के देखने को मिलते हैं। कबूतर ये तो नॉर्मल कबूतर है जो आपके घर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर घरों में जो पुराने घर होते हैं वहाँ पे, या फिर कबूतर वाला इलाके में, जैसे आप दिल्ली में चले जाइए वहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जयपुर एरिया में चले जाइए, जयपुर एरिया में भी देखने, जहाँ पे जो है कबूतरों की ज़्यादा संख्या है वहाँ पे आप ऐसे कबूतर देखेंगे या फिर वाइट कबूतर देखेंगे। ठीक है, इसके पंख सलेटी होते हैं, देखिए सलेटी कलर के हैं, अभी मैं फोटो दिखाऊंगी। और ये इनकी आवाज़ क्या होती है, गुटरगूं की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, फोटो में देखिए कैसे दिखते हैं, स्लेटी कलर के हैं। एक कबूतर का कलर होता है वाइट कलर। ठीक है, तो ये नॉर्मल तो हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन जो वाइट होते हैं, नॉर्मल हर जगह नहीं बल्कि ज़्यादातर देखते होंगे जहाँ पे कबूतर जो है पाले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कठफोड़वा। कठफोड़वा चिड़िया जो है पेड़ों के तने में छेद बनाकर रहते हैं। ये क्या करते हैं, छेद बनाकर रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये छेद बना हुआ है, इनमें क्या है, ये होल कर देते हैं, फिर इन पेड़ों के बीच में ये रहते हैं। इसी में ये क्या करते हैं, छिपकर कीड़ों को खाते हैं और अपना घोंसला इन्हीं पेड़ में जो है बनाते हैं, और अंडे भी इन्हीं पेड़ों के अंदर देते हैं। ठीक है, तो ये कठफोड़वा नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है दार्जिलिंग पक्षी। दार्जिलिंग पक्षी को हम क्यों दार्जिलिंग नाम रखा, हमने रखा है क्योंकि ये सुई धागा की तरह, एक दर्जी की तरह जो है अपने घोंसले का निर्माण करती है। इसकी जो है नुकीली चोंच, दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से जो है चोंच से जो है क्या है, सीकर अपना पत्तों को सीती है। ठीक है, अपने चोंच से पत्तों को सीती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दार्जिलिंग पक्षी या दर्जिन पक्षी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी होती है, देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है, कितनी क्यूट है ये, देखिए है। तो इसको क्या कहते हैं, दर्जिन पक्षी। ये इसे टेलर बर्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेलर बर्ड। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है पहला आपका, देखिए इसमें नंबर नहीं लिखा है, तो नंबर से आप मतलब मत रखिए, आप सिर्फ जो है क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है आपका हुआ, पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। देखिए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हर जगह अब जो है ये चिड़िया जो है कम देखने को मिलती है। आपके घरों में घोंसला बनाकर रह रही थी ये चिड़िया, मेरे घर में भी रहती थी आज से 4 साल पहले, बट अब है, अब ये चिड़िया मेरे घर में भी देखने को नहीं मिलती है। आपके घर में भी देखने को मिलेंगी कहीं ना कहीं, लेकिन हर जगह नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि किस चिड़िया की बात हो रही है, ये बात हो रही है गौरैया की। गौरैया आपके घर में ही घोंसला बनाकर रहती है, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो इसकी जो है अब क्या है, जो है विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी है, इसलिए इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, बर्ड दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर से स्पष्ट देख सकता है।
जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये क्या करते हैं पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन है ये? ये हैं आपके बाज, चील, कबूतर, सॉरी कबूतर नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका नंबर 2। नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, बाज, चील, कबूतर जो पक्षी हैं ये क्या करते हैं 8 मीटर की दूरी से ही वस्तुओं को देख लेते हैं और वो भी स्पष्ट। ठीक है, कौवा का मैंने बताया कि सबसे ऊंचे पेड़ पर क्या करता है ये अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, कबूतर आपके घर में रहता है। ठीक है, चलिए चील का बताया, गिद्ध का बताया कि सबसे ऊंची टहनी पे ये रहते हैं गिद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कौन सा पक्षी है जो बच्चे पैदा कर दूध पिलाता है? कौन सा पक्षी है जो बच्चे पैदा कर दूध पिलाता है? देखिए दूध वही पिलाता होगा जिसके बच्चे हैं, अंडे देने वाले जो पक्षी होते हैं वो दूध नहीं पिला सकते। तो अंडे देने वाले पक्षी कौन कौन से? कौवा अंडा देता है, बगुला भी अंडा देता है, बाज भी अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जिसके जो अंडे नहीं बल्कि क्या देता है बच्चे देता है। चमगादड़ क्या करता है? बच्चे देता है, इसे ये क्या करता है अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है? अभी हमने देखा जो है बीवर पक्षी, जो है बीवर पक्षी या बया पक्षी, इनके जो हस्बैंड होते हैं जो नर पक्षी होते हैं ये क्या करते हैं बहुत सारे घोंसले बनाते हैं सुंदर सुंदर, और उन घोंसलों में से एक घोंसला क्या करती है मादा बीवर पक्षी चूज करती है और उनमें अंडे देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट काटने और खाने की जो है का काम करता है? तो ये आपका हो जाएगा हुक जैसी चोंच वाले, बिल्कुल जो है क्या है हुक जैसी चोंच होती है इनकी। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके, देखिए मुझे बनाना नहीं आता लेकिन छोड़िए मुझे नहीं बनाना आता, आप ये समझ गए कि हुक जैसी इनकी चोंच होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं, मानव की तरह सामने की तरफ होती है, एक ही हो सकता है, वो है उल्लू। और उल्लू को आप जानते हैं रात को ये जागता है और दिन में ये सोता है। ठीक है, दिन में क्या करता है ये सोता है, रात को जागता है दिन में सोता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान में, पहाड़ों में, पेड़ में, छत में? देखिए कबूतर अपना जो है घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकानों में। आप देखेंगे पुराने मकानों में, पुरानी दिल्ली में देखेंगे ज़्यादातर कबूतर देखने को मिलेंगे, और जयपुर में अभी जल्द ही गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा जो है हवा महल के साइड पर जो है बहुत सारे कबूतर देखने को मिले वहाँ पर, या फिर आप चले जाइए किला वहाँ जो है तो वहाँ किले पे भी जो है ये कबूतर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुराने खंडहर हो चुके हैं तो वहाँ पे ये जो है अपना घोंसला तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया? 1963 में। 1963 में ये किया गया कि मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी बना लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका पार्टनर अगर नहीं है, मर चुका है या छूट गया है, तो उसके जो वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? तो यह है सारस पक्षी। सारस पक्षी क्या है, उनके अपने पार्टनर के वियोग में क्या है ये प्राण त्याग, अपना प्राण जो है त्याग देता है या मर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला कौन सा पक्षी है? इस पर हमने पहले वाली वीडियो में बात कर लिया है लेकिन आज फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को, कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से मोड़ लेता है? वो है आपका मैना। मैना क्या करता है, झटके से 360 डिग्री तक अपने जो है गर्दन को मोड़ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये थे इतने क्वेश्चन हैं इसके पक्षी से संबंधित।
आई होप आज की जो है क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पक्षी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको और ज़्यादा कुछ जो है जानना है, कुछ छूटा है मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कीजिए आप, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आप जो है और किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं। दूसरी बात, अगर मेरे से कुछ छूट गया है पक्षी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर हम जो है वीडियो लेकर आएंगे। और जो है नोटिफिकेशन जो है बेल आप दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और लगातार आप मेरे साथ बने रहिए एग्ज़ाम तक, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।